गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आज हम दूसरी बार सुबह उठे हैं, कल भी उठे थे और वॉक की थी और आज भी हम वॉक करने वाले हैं, पर ठंड अच्छी हो गई है। ठंड बहुत हो रही है, फॉग हो रहा है बहुत, बट अभी मेरी एक्सरसाइज करने में बैंड बज रही है। नीति की भी बज रही है पर मेरी ज़्यादा बज रही है, मेरे जितने जॉइंट्स हैं सब दुख रहे हैं। तो हम लोग आज भी वॉक करेंगे और मंडे से फिर हम लोग वर्कआउट करेंगे। अरे ऐसे नहीं यार, दौड़ के कर गरम होगी बॉडी। ये दिख रहा है आपको फॉग है ये सब। तेरी अखियां दे सामने रह, भागना मोटे भाग, नाक ठंडी होनी चाहिए। ठंड में इतने दौड़ सकते, नाक ठंडी होनी चाहिए। मैं अभी ऐसे दौड़ रहा हूँ ना, वैसे बुड्ढे लोग दौड़ते कुछ कुछ। तू बुड्ढा हो गया है? नहीं बता रहा हूँ, मतलब उनको लगता है कि वो जॉग कर रहे हैं पर वो ऐसे जॉग करते हैं बस। और सुबह सुबह है ना, अगर आप लोग एक ही ट्रैक पे वॉक करने जाते हो जिससे जान पहचान नहीं है, जिसको जानते ही नहीं है, बस दिखता है रोज, तो उसके साथ भी इंडिया में ऐसा होता है। राम राम, राम राम। अपन अपने भी ऐसे बहुत सारे दोस्त बन गए ना, छत पे से ही हमारे मतलब दोस्त जानते भी नहीं एक दूसरे को, बस देख लेते कि अच्छा 2 दिन दिख रहा है ये आदमी, जो राम 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 राम। कुछ अंकल तो ऐसे होते जिनको पहली बार में चालू है, जय श्री राम, उनको जय श्री राम बोलो, फिर वो तुम्हारी पहचान बन जाती है 1-1.5 महीने बाद। फिर तुम अगर बंद हो जाते अंकल पहचानते नहीं है वो, अगर तुम मिलोगे तो बोलेंगे कौन हो तुम, पर वो जय श्री राम करके जाते हैं। अगर अपने वो आएंगे नहीं तो बहुत दिन बाद, अरे आ नहीं रहा क्या हो गया। और लोगों का क्या टाइम सेट रहता है, मतलब 8:30 बजे आदमी इधर दिख रहा है, अगर वो वहाँ नहीं दिखा मतलब अपन लेट हो गए। चलो अब ज्ञान हो गया, हम थोड़ा और वॉक कर ले। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज क्या वॉक हो गई। आज संडे है तो ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोगों ने, संडे है और नेक्स्ट सैटरडे दिवाली है, तो आज नीति की पकड़ में आ गया। तो आज हम लोग नीचे का जो हिस्से है क्लीनिंग के लिए, नीचे वाले पूरे फ्लोर्स को क्लीन करेंगे। तो क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है पता है? तो सफाई करते हुए गेम्स की भी सफाइयाँ हो रही है, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने इंडोर गेम्स नहीं खेले। मैंने आप लोगों को बोला था हम लोगों के पास बहुत सारे गेम्स हैं, इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट है जेंगा, फिर उसके बाद में है हम लोगों के पास में मोनोपोली डिलक्स। हम लोग सोच रहे थे इसका वो जो क्रेडिट कार्ड वाला वर्जन है वो खरीद लें, पर ये खरीद लिया था तो नहीं खरीदा। लाइव सबसे अच्छी गेम है, मज़ा आता है इसको खेलने में। उसके बाद में है ऊनो फ्लिप, फिर ये मेरे को हॉर्लिक्स के साथ में बहुत पुराना है ये मेरे पास में, हॉर्लिक्स के साथ आया था। चेस छोटी सी, ये कार्ड्स है, दहला पकड़, केविन अगर देख रहा होगा तो दहला पकड़ सबसे ज़्यादा हम लोग उसके साथ ही खेलते थे। और ये वाली गेम मेरी बचपन की गेम है, वो इसके आंटियाँ रख के जो खेलते हैं, ये बहुत पुराना है, उसको साफ़ करना पड़ेगा, बहुत गंदा हो गया। फिर ये हम लोगों के इसमें पोकर की चिप्स हैं, हम पोकर भी खेलते थे कभी कभार, शौक चढ़ा था। देन स्क्रैबल, सबके पास ही होती है स्क्रैबल। फिर ये है, ये दादू ने ला के दी थी हम लोगों को जब ये बहुत नई थी, इंडिया में नहीं थी तब ला के दी थी बॉल। तो ये फुटबॉल बॉल है, फ्लोट करती है। तो 5 मिनट का ब्रेक लिया है, चंद्रा गारी भूख लग रही है तो ब्रेक में ही हो रहा है, काम पे लग जाओ। मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता, इतना सब अटाला निकल चुका है और अब लग रही है भूख। तो पहले जाके मम्मी के यहाँ से खाना लेके आते हैं, क्योंकि मम्मी को बोल दिया था खाना बनाने का, कौन बनाएगा घर पे। खाना लेके आते हैं, खाते हैं, फिर किचन करते हैं। तो हम लोग घर आ गए, हम लोगों ने खाना खा लिया है और ये सब पड़ा है, अभी सबको साफ करना है, जगह जगह सामान पड़ा है। हैप्पी दिवाली। एक हिस्सा डन, फूफ बाकी बचे। हम दोनों ने नहा लिया और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, नीचे का ऑलमोस्ट काम हो गया है, अब बचा है शॉपिंग करना। तो लाइट्स लगाना भी बचा है, लाइट्स खरीदना बचा है, क्योंकि हम लोग बोर हो गए एक ही एक लाइट लगा लगा के हर साल। तो इस साल कुछ नई लाइट्स लेके आएंगे,
सामान लेके आना है, काम तो है। दिवाली के किस विनर विनर कौन सा गेम है? कॉल ऑफ ड्यूटी। तो दिवाली पे किसके घर काम खत्म हो जाता है? तो वही है, अभी बहुत काम बाकी है। पिछले साल तो सब काम भाइयों से और माली वगैरह से करवा लिए थे, इस साल तो बैंड बज गई। तो थोड़ी देर सो लिए और हो गई है शाम, खाने का टाइम हो गया है। तो आज मैं बहुत इजी रेसिपी बनाऊंगी जो फटाफट बन जाए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ राइस कुकर में टमाटो राइस। तो फटाफट बनाते हैं, चलो। पहले डालेंगे टमाटोज, एडिंग लहसुन एंड जिंजर एंड इट्स रेडी। आपको करना है इसको ऑन। पहले डालूंगी मैं इसमें घी, राई, ऐड करी लीव्स, अनियन, मिक्स, नाउ ऐड टमाटो प्यूरी एंड मिक्स। अब डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, हल्दी, सॉल्ट, थोड़ा सा सांभर मसाला, शक्कर, शक्कर ऑप्शनल है, शुगर, ऐड वाटर एंड भीगे हुए चावल। मिक्स कर दो और कर दो बंद, 15 मिनट में पक जाएंगे। तो ये हो गए रेडी, को वार्म पे ही रहने देती हूँ। आज इसको सर्व करते हैं। डाला धनिया एज यूजुअल, मीति ने मना किया था बट ठीक है, इसमें अच्छा लगता है, एंड लेमन, और ये हो गया रेडी। तो मीति ने जो गिफ्ट दिया वो कब काम आएगा? तो आई एम एंजॉइंग। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, खाना खाया और चिल मारा, टीवी देखा। So that was the vlog for today, and it was not Dolu, it was me. So that was our vlog for today, and if you like our pagalpan, masti, maza, and whatever we do, suggest hit like, comment, share, and subscribe to our channel. Please spread goodbye only. Take care.